ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के संस्कृति सदन सिलासी में आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा समन्वयक सतीश शुक्ला और दीपिका गौतम के द्वारा आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के दौरान आशा वर्करों को बारीकी से स्वास्थ्य टिप्स दिए जा रहे हैं, ताकि गाँव में जाकर आशा वर्कर ठीक से काम कर सकें। हमीरपुर के संस्कृति सदन सलासी में आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा समन्वयक सतीश शुक्ला और दीपिका गौतम के द्वारा आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के दौरान आशा वर्करों को बारीकी से स्वास्थ्य टिप्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि गाँवों में जाकर आशा वर्कर ठीक से काम कर सके। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान आशा वर्करों को प्रशिक्षण देकर सिखाया जा रहा है कि किस तरह से छोटे बच्चों का वजन लेना, तापमान इत्यादि की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आशा वर्करों को गांवों में जाकर भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से काम करना है। स्वास्थ्य शिक्षा समन्वयक सतीश शुक्ला ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आशा वर्करों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि फील्ड में जाकर बढ़िया काम हो सके। उन्होंने बताया कि आशा वर्करों के अंदर स्किल को बढ़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान आशा वर्करों को खेल के दौरान सिखाने के साथ पावर प्लांट में मूवी दिखाकर भी सिखाया जा रहा है। हाँ जी, जिला हमीरपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर अर्चना सोनी के सौजन्य से यहाँ संस्कृति सदन में ये जो हमारी अर्बन आशा, दो जिलों की बिलासपुर और हमीरपुर की जो अर्बन आशा है, इनके लिए हमारा 5 दिवसीय मॉड्यूलर कोर्स एक चल रहा है, जिसमें मैं और मेरे साथी दीपिका गौतम ये एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो बेसिक प्रोग्राम है एक्चुअली इन आशाओं के अंदर दक्षता और कौशल की स्किल्स इनके लिए जो इनके अंदर भरनी है, इनको ट्रेन करना है मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में, विशेषकर कि जैसे जो बच्चे कहीं ना कहीं खतरे में, या कहीं गर्भावस्था के खतरे में, या कहीं पोस्टेटल मदर जो धात्री माता है उनको किसी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ें हम इनको सिखा रहे हैं। तो इसके 4-5 हमारे तरीके हैं। एक तो इनको हम खेल खेल में रोल प्ले के माध्यम से, दूसरा इनको मॉड्यूल से पढ़ा के, तीसरा जो है इनको पावर पॉइंट से या वीडियो से फिल्में दिखा के, इस तरह से अलग अलग हमारे जो है वो तरीके हैं जिससे इनको वो चीज़ें सिखानी है। इनका कोर्स बेसिकली ये है कि इनके अंदर वो गुण भरने हैं, ताकि वो फील्ड में जाके बच्चे का वजन कैसे लेना है, टेम्परेचर कैसे लेना है, हैंड वॉश करवाने हैं, और उसके बाद तापमान उनका जो उसके स्टेप्स हैं वो सिखाने हैं इनको, और वो सारी चीज़ें कमरे का तापमान, कंगारू मदर केयर, जो बच्चे अंडरवेट हैं समय से पहले जन्मे हैं उनको कल को मृत्यु ना हो जाए किसी इन्फेक्शन से, तो ऐसी सारी चीज़ें 5 दिन इनको करनी है। एक दिन इनको फील्ड का विजिट है, वहाँ छोटे बच्चों को हमने प्रैक्टिकल इनको सिखाना है कि उनका वजन लेना है, उनको रैप करना है, ये सारी चीज़ें। कल इसका विधिवत समापन होगा माननीय हमारे सीमा मैडम से, तो उन्होंने 17 तारीख को इसका उद्घाटन किया था। निस्संदेह इसके बाद बहुत अच्छे परिणाम जो जिला स्तर पर फील्ड में स्वास्थ्य सेवा में आने वाले हैं, जो इनके माध्यम से हम सेवाएँ लोगों तक पहुँचा।